हेलो वेल वेलकम टू माय शो बॉबी द मैकनी आइडल दोस्तों यशराज फिल्म्स यानी कि पठान स्टारिंग द बादशाह ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान द आनंद ऑफ बॉलीवुड जॉन एब्रह दीपिका पादुकोण दिस फिल्म इज डायरेक्टर बाय सिद्धार्थ आनंद सबको पता है द स्टाइलिश फिल्म मेकर अब इस पिक्चर का प्रोडिक्शन मैंने किया था इलेवन सेप्टेम्बर को ये फिल्म सुपर हिट मैंने कहा था हालांकि मैंने फिल्म का कुछ हिस्सा नहीं देखा था फिल्म देख कुछ भी नहीं देखा था मैंने फिल्म मैंने कहा था क्योंकि कुछ सोर्सेस के अनुसार मुझे पता चला था ये फिल्म सुपर हिट है लेकिन आज इस पिक्चर का मैंने ट्रेलर देखा और आई एम सॉरी गाइस मेरा वो जो मैंने कहा था उसको भूल जाओ दैट टाइम आई टोल्ड इट्स दिस फिल्म सुपर हिट बट नाउ आफ्टर वाचिंग द ट्रेलर आई एम सेइंग दिस इज सुपर डिजास्टर क्या क्या था ये ट्रेलर सच बिग फिल्म सोलो रिलीज बड़ी फिल्म 2023 की कम बैक आफ्टर फोर ईयर्स शाहरुख खान जॉन एम्ब्रह विलेन <laughs> क्या था ये अरे इट्स तो अ श्योर शॉट डिजास्टर जो सोशिस के अनुसार मुझे पता चला कि ये तो फिल्म सुपर हिट है हालांकि चमत्कार के टाइम से मुझे शाहरुख खान की हर फिल्म के बारे में पता चलता है क्योंकि जब चमत्कार का प्रीमियर मिंद्रवा सिनेमा में था उस वक्त शाहरुख खान के पास गाड़ी भी नहीं थी अपनी खुद की कार नहीं थी वो फ्लैट में बैठ के उनके जो क्रिकेट के को ओनर है विवेक जी उनकी कार में अमृतसटर थी अम्बेसटर फियट थी वाइट कलर की उसमें बैठ के वो मिंद्रवा सिनेमा गए थे चमत्कार का प्रीमियर देखने तो उस वक्त से लेके अब तक सब फिल्मों का रिपोर्ट मुझे मिलता है अब ये फिल्म का रिपोर्ट भी मुझे मिला था इट्स अ सुपर हिट फिल्म बट आफ्टर वॉचिंग द लाइट आगे गए रे बॉस तुझे ये फिल्म कैसे सुपर हिट लग रही है मुझे तो फिल्म डिजास्टर लग रही है तो वो बोल रहे सुपर हिट है ठीक है मुझे तो डिजास्टर लग रही है कंफर्म डिज़ास्टर लग रही है सिर्फ शाहरुख खान का एक दो एक्शन ज़बरदस्त है और बाद शुरू में जॉन एब्रम आते सब वो सब सब कुछ हो गया दोस्तों वॉर में सब दिखा दिया तो ये लोग जिस तरह रोहित शेट्टी कॉपी न्यूज़ बना रहे ये लोग स्पाई न्यूज़ बना रहे लेकिन इसमें बिल्कुल दम नहीं है दोस्तों ये ट्रेलर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया आई एम नो लोग मुझे गालियाँ देंगे लेकिन जो सच बात है ये सब हज़ार बार लोग देख चुके हैं वो शाहरुख खान मे के यहाँ कम बैंक आफ्टर फोर ईयर्स एंड इफ दिस इज़ द रिज़ल्ट देन सल्यूट मैंने बोला कम करना इतना आसान नहीं है ओनली विनोद खन्ना रीडर सॉलिड कम बैक इन नाइनटीन मुकुल की पिक्चर इंसाफ से सुपर ब्लॉक बहुत शुरू थी अमित जी ने मृत्युदाता में कम बैक किया फ्लॉप हो गई रजनीकांत ने बाबा में किया फ्लॉप हो गई देन आमिर खान ने चार साल के बाद मंगल पांडे में किया फ्लॉप हो गई आई थिंक केविन कॉस्टर और कौन कोई को, हॉलीवुड के कोई हीरो थे उन्हें वाटरवल नाम की फिल्म में कम बैक किया था वो भी सुपर फ्लॉप हो गई थी चलिए तो विनोद खन्ना इज़ ओनली तो एक्टर जिन्होंने सॉलिड कम बैक किया था तो शाहरुख खान कम बैक करे लेकिन ये कम बैक विल नॉट वर्क एट द बॉक्स ऑफिस एट ऑल लोग अभी जो बोल रहे हैं बर्कआउट करो बॉकआउट करो पठान को तो मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा ये सब बंद करो तो क्योंकि बॉकआउट करने की जरूरत नहीं पड़ी ये फिल्म ऐसे ही फ्लॉप होने वाली है डिजास्टर होने वाली है इसको ओपनिंग नहीं लगी मार्क माई वर्ड ये टेलर देखिए तो मुझे ओपनिंग का भी भरोसा नहीं चलना तो बहुत दूर की बात है आई नो शाहरुख खान के फैन मुझे बहुत गालियाँ दिए कमेंट में नो प्रॉब्लम जो बात सच है सर तो प्लीज़ डोंट गो विद स्लोगन और झंडे लगे मत घुमोगे बॉयकआउट करो पठान कुछ फ़ायदा नहीं हुआ ऐसे ही फ्लॉप ही होने वाली तो आप बॉयकआउट करें बट डोंट वेस्ट टो वे एनर्जी हाईज अपना एनर्जी वेस्ट मत करो ये फिल्म ऐसे ही फ्लॉप होगी क्योंकि टेलर इज टोटल डिजास्टर टेलर और मेरे हिसाब से दिस फिल्म इज एक्म फर्म फ्लॉप इट द बॉक्स ऑफिस लेट्स सी ऑन ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जनवरी लेकिन टिलर देख के जो मेरा प्रडिक्शन है वो मैंने कहा रेस्ट लेट्स वेट एंड वॉच वट एपीस ऑन ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जेन ट्रिलर की वॉचिंगय द मैच गुड बाय गॉड बाई ग